समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। रुख करते हैं झांसी की खबरों पर। झांसी की रक्षा पुलिस ने शातिर लुटेरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए लुटेरों ने अपनी अय्याशी के लिए लूट की घटना को अंजाम दिया था। उनके पास से नकदी, असलाह और कारतूस व बाइक बरामद हुई है। जनपद झांसी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश एस के निर्देश और पुलिस अधीक्षक नगर ज्ञानेन्द्र कुमार के नेतृत्व में रक्षा थाना पुलिस क्षेत्र में गश्त करते हुए चेकिंग कर रही थी। चेकिंग के दौरान पुलिस को बाजना रोड डोंगरी पुल के नजदीक से बाइक सवार तीन संदिग्ध युवक नजर आए। शक होने पर पुलिस ने उन्हें रोका और तलाशी लेते हुए पूछताछ की। पूछताछ में पता चला कि बाइक सवार तीनों शातिर लुटेरे हैं। उन्हें पकड़कर थाने लाया गया। पुलिस अधीक्षक नगर ने खुलासा करते हुए बताया कि पकड़े गए तीनों लुटेरे के नाम सुनील पुत्र कमल सिंह, शिवमी लोधी पुत्र कृष्ण लोधी और सुरेंद्र लोधी पुत्र हजरत सिंह निवासी उमरी कला थाना भौती जिला शिवपुरी बताया है। पकड़े गए लुटेरों ने 26 अगस्त 2023 को भाई बहन को लूटा था, जिसकी शिकायत उनके पिता भगवान दास ने थाना रक्षा में की थी, जिसके आधार पर लगातार लुटेरों की तलाश की जा रही थी। पकड़े गए लुटेरों के पास से 52,000 रुपए नकद, बिना नंबर की बाइक और 315 बोर के 2 तमंचे व 4 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। पकड़े गए तीनों बदमाशों के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं। तीनों के खिलाफ संबंधित धारा के तहत कार्यवाही की गई है। इन्हेलर लो पहले। छब्बीस आठ 2023 को भगवान दास पाल के बेटे नितिन पाल अपनी बहन वैष्णवी पाल को उनके ससुराल सिमरधा से बूढ़ा लेकर के जा रहे थे। रास्ते में तीन बदमाश मिले थे, जिन्होंने तमंचा दिखा करके उनकी बहन जो ज्वेलरी पहनी हुई थी, जिसमें मंगलसूत्र और चेन आदि थी, उसको लूट लिया था। जिसको आज तीन जो अपराधी थे वो पकड़े गए हैं थानाध्यक्ष रक्षा की पुलिस टीम के द्वारा, और उनसे 2 अवैध तमंचे तथा जो ज्वेलरी बेच करके जो उनके द्वारा पैसा लिया गया था उसमें करीब 52,000 रुपये इनसे बरामद किया गया। इन तीनों अपराधियों को जेल भेजा जा रहा है। हाँ बिल्कुल, पहले भी इन पे करीब 5 या 6 मुकदमे अलग अलग अपराधियों पर दर्ज है। एक अपराधी ऐसा है जिसमें अभी तक कोई मुकदमा नहीं दर्ज है। ये शिवपुरी के रहने वाले हैं। ये मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में ही इनका जो क्राइम का क्षेत्र है वो उधर ही इन लोगों ने क्राइम किया है, जिससे कि आपको जो क्रिमिनल हिस्ट्री दी गई है उसमें आप देख रहे होंगे कि शिवपुरी जो जिला है उसी के आसपास या उनके थानों में ही इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री है। नहीं, ये जेब खर्च के लिए अपने अय्याशी के लिए ये लूट करते थे। बिल्कुल, ये आपस में पड़ोसी हैं और ये अभी भी फिराक में थे, जैसा कि इनके पकड़ने पर पूछताछ में पता चला था, और साथ में तमंचा भी लेकर के चलते थे। हाँ बिल्कुल, वो उस दिन फिराक में ही थे और उनको मौका मिल गया, उस दिन घटना कर दी। पैसे बरामद हुआ, माल बेच दिया था। हाँ हाँ, माल इन तीनों ने माल बेच दिया था। अभी जो पकड़े, मुखबिर में पकड़े गए या किसी मुखबिर सूचना? नहीं, मुखबिर के सूचना पकड़े।